फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सी फ्लोटिंग कैंडल्स, जिनको घर में बनाना बहुत ही इजी है। लास्ट मोमेंट अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कैंडल्स नहीं बनाई हैं, तो आप ये खूबसूरत कैंडल से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. तो पहले हम कर देते हैं कुछ प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको वेस्ट मटेरियल से बनाने वाले हैं, तो मेरे पास एक ये किरण पड़ी हुई थी जो कि वेस्ट हो गई थी, उलझ गई थी। तो मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और अब हम इसको एज ए स्पार्कल यूज करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद कैंडल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक टूटी की खाली बॉटल थी, इसकी हेल्प से मैंने एक लालटेन भी बनाई थी, और ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था इसको मैं यूज़ करूँगी एक फ्लोटिंग कैंडल बनाने में। अगर अभी तक आपने वो लालटेन वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने इसी बॉटल से बनाया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ऊपर आप ब्लिंक करते हुए देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत हमने लालटेन बनाई थी। तो इस तरीके से मैंने एक लेस से इसको डेकोरेट कर दिया है, और यहाँ पर हमारा एक ये दिया टाइप तैयार हो चुका है। थर्ड प्रिपरेशन करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास है और एक ही छोटी सी लेस का पीस पड़ा हुआ था जो कि मेरे सूट में से बचा हुआ था, तो मैंने इसका भी यूज़ कर लिया। इसको मैंने कुछ इस तरीके से इस ग्लास के ऊपर पेस्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट किया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का या फिर फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा दिया रेडी हो गया है। फोर्थ वन के लिए मेरे पास एक और ग्लास है जिसको मैं इस तरीके की क्रेन से डेकोरेट कर दूंगी। मीन्स आपके घर में कोई भी लेस हो, किरण हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप डेकोरेट कर सकते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप कलरफुल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कैंडल्स बनाना। तो मेरे पास यहाँ पर एक कांच का बोल है, उसमें मैंने ऐड किया थोड़ी सी स्पार्कल। स्पार्कल ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड कीजिए पानी। पानी ऐड करते के साथ ही कलर देख रहे हैं एकदम पिकॉक वाला कलर आ गया है, और थोड़ा सा पिकॉक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का टी लाइट दिया ऐड कर दिया है। उसको मैंने लाइटन अप कर दिया है एंड जस्ट लुक एट द व्यू। वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इस दिए का लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। अंधेरे में आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। सेकेंड दिया जो कि हमने बॉटल से बनाया था, और ये जो स्पार्कल हमने कट करके रखी हुई थी, हमने उस खाली बॉटल के कैप में यहाँ पर स्पार्कल ऐड की है। साथ में वही एक टी लाइट कैंडल हमने यहाँ पर ऐड कर दी है, लाइटन अप कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ फोम वाले फ्लावर्स थे, उनको भी मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। एंड इट टर्न्स आउट सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यू विल जस्ट लव दिस, जस्ट लुक एट दिस। वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड इट इज़ सो अट्रैक्टिव। अगर आप अपने घर में बनाते हैं ना, तो सबका अट्रैक्शन इसके ऊपर जरूर जाएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जितने भी कैंडल्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सभी को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सा वाला लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइटन अप होने पर और भी खूबसूरत लग रहे हैं। थर्ड कैंडल आती है ये वाली जो हमने ग्लास का यूज़ करके बनाई थी। तो इसके लिए ग्लास को हम पहले ही डेकोरेट कर चुके हैं। अब अगेन वही सेम चीज़ है, पानी आपको फिल करना है। कुछ भी चीज़ आप इसमें पानी को लाइटन अप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोम बॉल्स ली हैं, फिर एक दिया लिया है एंड जस्ट लुक एट दिस। ये जो लेस हमने यूज़ किया है ना, इसका रिफ्लेक्शन भी बहुत ही खूबसूरत आता है। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लग रहे हैं ना ये दिए कितने प्यारे प्यारे, और केवल इनको आप 2 मिनट में बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन यस, अट्रैक्शन सभी का गेन करेंगे क्योंकि इतने खूबसूरत लगते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एकदम लैम्प शेप आपको देने वाला है। लैम्प का रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा इस ग्लास से, क्योंकि इसकी शेप कुछ इस टाइप की है। तो मैंने इसमें भी पानी फिल किया है। आपके पास कुछ मोती पड़े हैं, कुछ आपके पुराने इयररिंग्स पड़े हैं, वो सब कुछ आप इसमें पानी में डाल दीजिए। चाहे तो स्पार्कल भी डाल सकते हैं। अगेन वही हमको टी लाइट कैंडल लेनी है, उसको लाइटन अप करना है एंड जस्ट लुक एट दिस, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड लैम्प का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स करके जल्दी जल्दी से बताइए आपको कौन सा वाला दिया सबसे खूबसूरत लगा, और आप कौन सा इस दिवाली बनाने वाले हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड जस्ट मेक दिस ब्यूटीफुल दियाज एंड शेयर विद मी एट Instagram। आशा करती हूँ ये सिंपल आइडियाज आपको काफी पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें।